तस्वीरें दो हैं, देश भी दो अलग अलग है, लेकिन शख्स एक ही है, सऊदी प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान। एक तरफ सऊदी अरब के प्रिंस सलमान ने पहले पाकिस्तान पर दरियादिली दिखाई, तो दूसरी ओर भारत आकर अब आतंकवाद के खिलाफ भारत के साथ खड़े होने की बात कह रहे हैं। पहले आतंक परस्त पाकिस्तानी प्रधानमंत्री इमरान खान के साथ बग्घी की सवारी की और फिर दिल्ली आकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से गले मिले। सऊदी प्रिंस पहले पाकिस्तान का दौरा करते हैं, वो भी पुलवामा हमले के ठीक बाद, लेकिन पाकिस्तान की करतूत पर कुछ नहीं बोलते, बल्कि इसके उलट पाकिस्तान की तारीफ में कसीदे पढ़ते हैं। और तो और आर्थिक तंगी से जूझ रहे पाकिस्तान पर $20 अरब की मदद का ऐलान भी करते हैं। लेकिन पाकिस्तान से भारत आते आते प्रिंस सलमान का सुर बदल गया, तभी तो यहाँ आकर अब आतंकवाद के खिलाफ बोल निकले। साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस में आतंकवाद के खिलाफ साथ देने का वादा किया गया है। हम इस बात पर सहमत है कि आतंकवाद को किसी भी प्रकार का समर्थन दे रहे देशों पर सभी संभव दबाव बढ़ाने की आवश्यकता है। जहाँ तक एक्सट्रीमिज्म और टेररिज्म की बात है, जो हमारे कॉमन कंसर्न है कि हम आपके साथ हर तरह का कोऑपरेशन करेंगे, चाहे वो इंटेलिजेंस शेयर ही हो, और न सिर्फ भारत बल्कि सारे जो हमारे आसपास हैं, सबके साथ मिलकर काम करेंगे। सीमा पार करते ही सुर बदलने वाले पर कांग्रेस ने भी चुटकी ली है। कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला ने ट्वीट कर लिखा है, प्रोटोकॉल तोड़कर जिनका जबरदस्त स्वागत किया गया, उन्होंने आतंक के खिलाफ पाकिस्तान के कामों की तारीफ की, पाकिस्तान को $20 अरब की मदद भी की। ये सही है कि पुलवामा हमले के बाद सऊदी प्रिंस ने पाकिस्तान का दौरा एक दिन के लिए टाल दिया था, लेकिन पाकिस्तान जाकर उन्होंने कोई ऐसी बात नहीं कही जिससे कि लगे कि पाकिस्तान को अलग थलग करने की कोशिश में सऊदी अरब भी हिंदुस्तान के साथ खड़ा है।